सर श्रेय तो सबसे पहले भगवान का जिन्होंने इतना लायक बनाया, उसके बाद सर पेरेंट्स का, सिस्टर का, मेरे जीजा जी हैं उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और मेरे फ्रेंड्स हैं सर उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया एग्ज़ाम के लिए। कितना खुश सर, खुशी तो बहुत है, रैंक 1 बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, तो पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब बहुत खुश हैं। बाकी सर तैयारी का अगर देखा जाए तो आई थिंक मैं अगले साल UPSC में अपीयर होऊंगा। मैसेज यही रहेगा, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, उसमें देखें कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बाद फिर बुक लिस्ट तैयार करें अपनी जिसमें पढ़ना है, उसको निरंतरता बार बार पढ़ें। फिर सर उसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, अगर मेंस की लिखनी है टेस्ट सीरीज़ लिखें, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें, और सर अगर फेलियर्स हैं तो कोई बात नहीं, उसको एम्ब्रेस करके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए लगें और अपने मंजिल तक पहुँचें। नहीं सर, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद ये 4th अटैम्प्ट में मेरा फर्स्ट रैंक आया सर। सर श्रेय तो सबसे पहले भगवान का जिन्होंने इतना लायक बनाया, उसके बाद सर पेरेंट्स का, सिस्टर का, मेरे जीजा जी हैं उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और मेरे फ्रेंड्स हैं सर उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया एग्ज़ाम के लिए। कितना खुश सर, खुशी तो बहुत है, रैंक 1 बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, तो पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब बहुत खुश हैं। बाकी सर तैयारी का अगर देखा जाए तो आई थिंक मैं अगले साल UPSC में अपीयर होऊंगा। मैसेज यही रहेगा, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, उसमें देखें कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बाद फिर बुक लिस्ट तैयार करें अपनी जिसमें पढ़ना है, उसको निरंतरता बार बार पढ़ें। फिर सर उसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, अगर मेंस की लिखनी है टेस्ट सीरीज़ लिखें, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें, और सर अगर फेलियर्स हैं तो कोई बात नहीं, उसको एम्ब्रेस करके नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए लगें और अपने मंजिल तक पहुँचें। नहीं सर, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद ये 4th अटैम्प्ट में मेरा फर्स्ट रैंक आया सर। सर श्रेय तो सबसे पहले भगवान का जिन्होंने इतना लायक बनाया, उसके बाद सर पेरेंट्स का, सिस्टर का, मेरे जीजा जी हैं उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और मेरे फ्रेंड्स हैं सर उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया एग्ज़ाम के लिए। कितना खुश सर, खुशी तो बहुत है, रैंक 1 बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, तो पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब बहुत खुश हैं। बाकी सर तैयारी का अगर देखा जाए तो आई थिंक मैं अगले साल UPSC में अपीयर होऊंगा। मैसेज यही रहेगा, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, उसमें देखें कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बाद फिर बुक लिस्ट तैयार करें अपनी जिसमें पढ़ना है, उसको निरंतरता बार बार पढ़ें। फिर सर उसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, अगर मेंस की लिखनी है टेस्ट सीरीज़ लिखें, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें, और सर अगर फेलियर्स हैं तो कोई बात नहीं, उसको एम्ब्रेस करके नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए लगें और अपने मंजिल तक पहुँचें। नहीं सर, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद ये 4th अटैम्प्ट में मेरा फर्स्ट रैंक आया सर।